हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान अर्जन के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका फ्रेंड अमित। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि आपको फ्री स्टॉक फुटेजेस वाले वीडियोस कहां से मिलेंगे जिससे कि आप अपना एक अच्छा सा यूट्यूब का वीडियो बना सके। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि हमें वीडियोस की नहीं इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ कुछ म्यूजिक की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सही तरीके का जो हम लोग इमेजेस ढूंढ रहे हैं, ज्यादातर हम लोग गूगल फोटोज में से जाकर ले लेते हैं बहुत सारे लोग, और इससे प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, चैनल पे खतरा मंडराता है और आपका जो वर्षों का जो मेहनत है केवल एक वीडियो ही आपके पूरे चैनल को बर्बाद कर सकता है, आपको स्ट्राइक दिलवा सकता है। या फिर कोई म्यूजिक आपने कहीं से ले लिया और उस म्यूजिक का इस्तेमाल करके आपका चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो आपको वीडियो तो बनाना ही है, इमेजेस को लेना ही है, तो इमेजेस आपको कहाँ से मिलेगा? तो आज इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहां पर कि आपको फ्री में कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर कि आपको क्रेडिट देने को कहा जाएगा, तो आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके जो भी ऑथर हैं उनको क्रेडिट दे सकते हैं। कि डाउनलोड करते वक्त आपको पता चल जाता है, वहां पर मेंशन किया हुआ रहता है कि ये आपका कंप्लीटली आप कॉमर्शियल और पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे क्रेडिट देने की जरूरत है या नहीं है। ये सारे के सारे जब आप डाउनलोड करेंगे उस इमेज को तो वहां पर आपको मेंशन किया हुआ रहता है। तो इमेज को डाउनलोड करते वक्त उस बात का जरूर ध्यान रखें। जो वेबसाइट का लिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक मेंशन किया हुआ है वहां पर जाकर आपको मिल जाएगा। आप लिंक को क्लिक कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिलेंगे, लगभग 30 ऐसे वेबसाइट्स मिलेंगे जहां पर कि आप हाई क्वालिटी हाई रिजोल्यूशन वाले आप अलग अलग कैटेगरी के आप इमेजेस को वहां से पा सकते हैं, वो भी कॉपीराइट फ्री। ज्यादातर ये तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में रहेंगे या फिर आपको कहीं पर क्रेडिट मेंशन करने की जरूरत रहेगी तो आप उन्हें क्रेडिट दे दीजिए। तो यहाँ पर से आपको स्टॉक इमेजेस मिल जाएंगे वो भी फ्री में, और साथ ही साथ नीचे एक और आपको लिंक मिलेगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि आपको जो रॉयल्टी फ्री या फिर आप कॉपीराइट फ्री जो म्यूजिक जहां पर होगा उनका भी सेम फंडा है, या तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर में आपको मिल जाएगा या फिर आपको मिलेगा जहां पर आपको क्रेडिट मेंशन करना होगा। जैसे कि मेरे बहुत सारे वीडियोस में अगर आपने कहीं भी म्यूजिक को सुना होगा तो मैं बेन साउंड का म्यूजिक को इस्तेमाल करता हूं, तो मैं यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर देता हूं कि म्यूजिक बाय बेन साउंड। तो इसी तरह का अगर कोई आप वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं उन्होंने क्रेडिट मांगा है तो बस क्रेडिट ही तो देना है, और आप अगर क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं तो आपको वहां पर पे करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर फ्री में मिल रहा है कुछ और वहां पर क्रेडिट देने से आपका काम बन जाए तो उसे आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। प्रॉपरली क्रेडिट उन ऑथर को दे दें जो कि इन्होंने इसे कंपोज किया या फिर जिन्होंने पिक्चर को क्लिक किया है। तो इस तरीके के हर चीज जहां पर मेंशन किया है कि आप क्रेडिट देके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्सनल कॉमर्शियल यूज के लिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहां पर कि ये मेंशन किया हुआ रहता है कि आप इसे केवल पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे रहते हैं जहां पर कि पर्सनल एंड कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब के वीडियो से आप पैसे कमाएंगे तो आप केवल उन फोटोज वीडियोज और म्यूजिक्स का इस्तेमाल अपने वीडियो में करें जो कि कमर्शियल यूज के लिए भी एप्लीकेबल है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान बिल्कुल रखें तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक कभी नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ आपका जो चैनल का जो एक अपीयरेंस है, चैनल का जो एक अट्रैक्टिवनेस है, वो जो वीडियोस स्टॉक फुटेजेस और इमेजेस और म्यूजिक का इस्तेमाल करके आपको मिल सकता है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप दोनों लिंक पे जाकर क्लिक कीजिए। वो लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट आएगा जहां पर बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिलेंगे, म्यूजिक वाले अलग, इमेजेस वाले अलग, और ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था वहां पर वीडियोस के वाले जो वेबसाइट है उनका भी लिस्ट मैंने दिया था। तो इन तीन चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा जहां पर मैंने वीडियो का जो फ्री स्टॉक फुटेजेस वाले लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया था, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक
इस वक्त आपको आई बटन में नजर आ जाएगा, तो वहां पर क्लिक करके आप वो वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके काम आएगा और आप यहां से अच्छे अच्छे वीडियोस को क्रिएट करने में सक्षम हो पाएंगे। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे लिस्ट में ऐसा कोई वेबसाइट है जो कि छूट गया हो, जिससे कि आप इमेजेस, वीडियोस और म्यूजिक्स को इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे भी टाइप करके बताइए, ताकि मेरे जो व्यूअर्स है उन्हें भी इससे फायदा पहुंच सके। तो फिर मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।